नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज और अब अगली सुनवाई कब तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इसमें मैं बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे जो आज डिस्कस हुए हैं और क्या आगे एनालिसिस हो सकता है वो सब आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट डालता हूँ वो सबसे पहले आपको मिलती। तो दोस्तों, सबसे पहले आज क्या हुआ देख लेते हैं, आज कैसा कारोबार रहा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जिसका प्रीवियस क्लोजिंग था वो था अराउंड 9.85 और ये ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट 9.85 पे। हाई लगाता है 10.35 का, लो लगाता है 9.05 का और क्लोज होता है 9.75 पे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने आज स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे किया होगा तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि आज ऑपरेटर ने फिर से बहुत सारी सेलिंग प्रेशर लगा के लो कर दिया था, इसको लो पे ले आया था। अगर आपने इसको देखा होगा तो हो सकता है आपके चांसेस है कि आपको लॉस हुआ हो, बट आप अभी इंट्राडे और कुछ करना चाहते हैं जैसे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए आज अभी के टाइम में कुछ समय तक, जब तक ये एक सारा मसला क्लियर नहीं हो जाता है। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है तो आपको उसमें बने रहना है और क्या स्टॉप लॉस रखना है वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आगे क्वांटिटी कितनी ट्रेड होती है। क्वांटिटी ट्रेड होती है अराउंड 99 करोड़ के आसपास और डिलीवरी उठाई गई है 22 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज अच्छी ही है, 23% के अराउंड डिलीवरी अच्छी है। मैं बोलता हूँ ना, 20 से अगर 30% के बीच किसी स्टॉक में अगर रेगुलर बेसिस पर डिलीवरी उठाई जा रही है तो अच्छी डिलीवरी है वो। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजीआर केस को लेके इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या कहा है। तो ये कह रहे हैं, वोडाफोन आइडिया सेज इन नो पोजीशन टू फर्निश बैंक गारंटी लॉसेज एट ओवर ₹1,00,000 करोड़। तो जैसे कि आपको पता है कि एजीआर को लेकर लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको कुछ ना कुछ पर्सनल गारंटी वगैरह देनी पड़ेगी। तो पर्सनल गारंटी में क्या होगा कि अब जो पर्सनल जो डायरेक्टर होंगे उनको ही वो गारंटी खुद के नाम पे लेनी पड़ेगी जो अराउंड 55,000 करोड़ की हो सकती है। तो यही चीज़ें इन्होंने कहा कि हम जो हमारा डायरेक्टर है वो अकेला इतना बड़ा लोन की गारंटी खुद के नाम पे कैसे ले सकता है। तो इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो ईडी कह रहा है। वोडाफोन आइडिया ऑन थर्सडे टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज़ नो इन पोजीशन। तो ये पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि अराउंड 1,00,000 करोड़ की गारंटी, क्योंकि ये अराउंड 1,00,000 करोड़ के लॉसेस सफ़र कर रहे हैं इसलिए ये अभी कोई भी गारंटी देने के मूड में नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर का मसला है उसको लेके, जो इनका ड्यू है वो अराउंड 58,000 करोड़ का है और रफली पकड़ ले तो 7,000 करोड़ का इन्होंने पे कर दिया। वहीं एयरटेल ने अभी तक आप देख सकते हैं एयरटेल ओज ₹22,597.6 करोड़ आफ्टर पेइंग ₹18,004 करोड़। तो अभी एयरटेल ने 18,000 करोड़ के आसपास पे कर दिया है और उसको जो बाकी पे करना है वो है अराउंड 26,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों, आज हम इसके बाद कैसा हियरिंग के बाद हमने देखा कि ये काफ़ी थोड़ा सा नीचे आने लग गया था और इवन इसने जो क्लोजिंग दी है वो भी रेड में ही दी है। वहीं शेयर ऑफ भारतीय एयरटेल वर अनफेस्ड एट ₹567.90 और अब जैसे ही भारतीय एयरटेल ने अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ बताई तो उसके बाद उनके शेयर में हमने पॉजिटिविटी आती हुई देखी, नो को मिली है। तो दोस्तों, आपको अभी पता है कि आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर, फार्मा सेक्टर और FMCG सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो ही डील करती हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपको भारतीय एयरटेल में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप हमें अपनी बैलेंस शीट वगैरह भी दिखाइए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले समय में वो सब चीज़ें भी इनसे मांगी जाएंगी। तो इन्होंने आगे क्या कहा, टू दिस पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ओनली वे टू रिमेन ए गोइंग कंसर्न। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अगर आप हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने देंगे तो ये तभी हम इस चीज़ के साथ डील कर सकते हैं, नहीं तो हमें ये अपनी जो इनकी जो वोडाफोन आइडिया की जो इनका बिजनेस है वो बंद करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक वोडाफोन आइडिया का बिजनेस है वो बंद तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वोडाफोन आइडिया ऐसी कंपनी भारत को छोड़ के चली जाती है तो और जो इन्वेस्टर हैं, अभी आपको पता है चाइना के साथ भी इंडिया की ट्रेड वॉर या फिर और बॉर्डर के ऊपर भी वॉर चलनी स्टार्ट हो गई है, तो और जो भी कंपनीज है वो अपनी कंट्री में आने के लिए सोचेंगी कि एक बहुत बड़ा जो FII है, FDI आप कह सकते हो, FDI है वो हमारे देश को छोड़ के जा रहा है, तो दूसरी कंपनियां आने से थोड़ा डरेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए उन्होंने फिर से रोड मैप मांगा है। तो इसकी हियरिंग उन्होंने बोला है कि 3rd week of July के होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर रीजनेबल पेमेंट प्लान वूस वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल चांसेस। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने एक रीजनेबल पेमेंट प्लान बोला है। अब वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि हम 20 साल में पैसा दे देंगे, 15 साल में दे देंगे, पर उन्होंने बोला है कैसे कैसे दोगे, आप हमें प्लान तो बताइए। तो जैसे ये पहला पॉइंट उन्होंने उठाया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें आप कुछ समय दीजिए, दो हफ्ते के अराउंड का समय दीजिए। तो इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब थर्ड वीक तक हम इस हियरिंग को टाल रहे हैं। तो ये अच्छा न्यूज़ था कि कम से कम वो उन्होंने लास्ट टाइम जब हमने मार्च में हियरिंग सुनी थी उस टाइम तो अरुण मिश्रा जी ने सीधा कह दिया था कि अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी। बट आज आपने देखा कि कैसे पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है कि वो खुद कह रहे हैं कि आप रीजनेबल प्लान पेमेंट प्लान बताइए तो बूस्ट वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल। तो हो सकता है ये थोड़ी सी जो पॉजिटिव न्यूज़ है इसके बाद हमें कल भी वोडाफोन आइडिया के शेयर में हल्की सी पॉजिटिविटी आती दिखाई दे, बट अभी भी वहाँ पे हम देख सकते हैं 10 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो वो सब चीज़ें मैं आपसे ऑप्शन चेन के थ्रू डिस्कस करूँगा, आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो द सुप्रीम कोर्ट्स कॉल फॉर टेलकोस टू सबमिट रीजनेबल पेमेंट प्लान्स इंस्टेड ऑफ पर्सनल गारंटी। तो उन्होंने बोला कि आप छोड़िए पर्सनल गारंटी भी छोड़िए, आप हमें पेमेंट प्लान बताइए कैसे कैसे करके आप पेमेंट दोगे। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, जो अच्छी चीज़ बताई जा रही है, टू क्वालिफाई फॉर स्टैगर्ड पेमेंट रीपेमेंट ऑफ AGR ड्यूज ऑफर सम रिस्पाइट फॉर BIL। तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए एक शांति की वजह हो सकती है कि उनसे एक रीजनेबल प्लान मांगा जा रहा है। एंड रेजिज होप्स अराउंड इट्स विजिबिलिटी सेज एनालिस्ट हु हाउ एवर द स्ट्रगलिंग टेलकोस कुड फेस सम शॉर्ट टर्म हिकअप्स। तो ये अच्छी चीज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद से बोल रहा है कि आप हमें भी रीपेमेंट अपना प्लान ही बता दीजिए कि आप कैसे रीपे करोगे, कैसे आप पेमेंट करोगे। तो इसी दिशा में एयरटेल ने तो ये यहाँ तक ये कह दिया कि उनको तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एयरटेल बोलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी पे कर दिया है। बट अगर हम भी देखें तो वोडाफोन आइडिया ने 58,000 ही पे की, में से ओनली 7,000 ही पे किया है। तो ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद से कह रहा है कि आप हमें रीजनेबल, जो बिल्कुल रीजनेबल पेमेंट प्लान है वो बताइए। आगे डिस्कस करते हैं, एयरटेल सेज नो एडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट 20-year टाइम फ्रेम फॉर AGR पेमेंट। भाई एयरटेल क्या कह रहा है कि इनको तो एडिशनल सिक्योरिटी देने की जरूरत ही नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें 20 साल का AGR पेमेंट का टाइम दीजिए। मैं कह रहा हूँ एयरटेल की बात से मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, जब वो उनको सिर्फ अभी 30-20 अराउंड देखा जाए तो 26,000 करोड़ के आसपास ही AGR पेमेंट करनी है, जिसमें से वो बहुत सारा पेमेंट ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो इसी दिशा में उन्होंने कहा है कि जब हम इतना पेमेंट मीट कर चुके हैं, हम इतना कुछ कर चुके हैं, तो आप कृपया करके हमें बताइए कि हम अब कैसे सर्वाइव रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें टाइम पीरियड दे देंगे तो हम इजीली उस पैसे को अरेंज कर पाएंगे। तो इन्होंने इवन ये भी कहा कि जो भी हम पैसा है उसको हम बिल्कुल स्विफ्टली, बिल्कुल आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो यही न्यूज़ है, भारतीय एयरटेल ने जो आज अपना एफिडेविट सबमिट कराया था उन्होंने कहा था 20-year का हमें क्लियर AGR प्लान जो भी है वो दीजिए, 20-year का टाइम दीजिए जिसमें हम अपना बाकी का पैसा सबमिट करवा देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कंपनी के पास EBITDA भी है जो भारतीय कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, जिसके थ्रू वो इजीली मार्केट में स्टे कर सकती है। तो अब EBITDA क्या होता है, ये दोस्तों ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये क्या बेसिकली क्या होता है, ये होता है कंपनी की जो अर्निंग होती है बिफोर इनकम टैक्स, या आप कह सकते हो इंटरेस्ट या टैक्स या फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इज एन अकाउंटिंग मेजर कैलकुलेटेड यूजिंग ए कंपनीज earnings before interest expenses taxes depreciation and amortization and are subtracted as a proxy for company's current operating profitability। तो जैसे ही आपको नेट प्रॉफिट देखना होता है, नेट प्रॉफिट से पहले ये सब चीज़ें आती है कि आपको नेट प्रॉफिट से पहले कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितना टैक्स है, अगर आपने कोई मशीनरी ली है तो उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है, या फिर आप कितना क्या amortization है, ये सारा हम जो नेट प्रॉफिट से पहले का अमाउंट होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें एयरटेल की तरफ से बोली गई हैं, ये भी मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है, बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में सब चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए आपको। अभी आ जाते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन पे देखते हैं हम दोस्तों कैसा डाटा बन रहा है। अगर अभी भी हम आ जाते हैं, हम जो मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 जून 2020 की। तो अभी भी हम देखें तो 9 रुपये के लेवल पे भी अभी भी OI जो जनरेट हो रहा है वो बहुत बड़ा OI जनरेट हो रहा है, अराउंड 1,30,00,000 के अराउंड का OI है, जो काफ़ी बड़ा है। जो अभी भी जिन्होंने मेरे कहने पे, मैंने बोला था आप 6 रुपये के अराउंड, जब इसमें गूगल की न्यूज़ आई थी तो 6 रुपीज से लेके 6.35 के आसपास मैंने कहा था कि इसको बाई कर लीजिए। अगर आपने उस लेवल पे बाई किया है तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आप 8.90 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, क्योंकि अभी भी 9 रुपीज़ के लेवल पे हैवी सपोर्ट है जो अराउंड 1 करोड़ 30 लाख का है। उसके बाद हम देखें अगला सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 8 रुपये के लेवल पर, वो भी ठीक ठाक सा सपोर्ट है 1 करोड़ 27 लाख का। अगर ये 8 रुपये का लेवल तोड़ देता है उसके बाद 7 रुपये के लेवल पर फिर से बहुत बड़ा सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि 7 रुपये का लेवल और 6 रुपये का लेवल ईजिली टूटेगा। और अगर आप यही चीज़ देखें 5 रुपये के लेवल पर बहुत बड़ा ओआई क्रिएट हो रहा है अराउंड 4 करोड़ 47 लाख का, तो 5 रुपये का लेवल अभी के लिए टूटना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा मैं तो ये कह रहा हूँ कि 9 रुपये का लेवल भी टूटना टफ है, बट अगर ऑपरेटर गेम चला रहे, ऑपरेटर बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी सेल में लगा दे और रिटेलर भी उस टाइम पे सेल 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 करना शुरू कर दें, तब हो सकता है 9 रुपीज़ का लिए लेवल तोड़ दे। बट अभी भी आप 8.90 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे अकॉर्डिंग बने रह सकते हैं अगर आपने 6 रुपीज़ के लेवल पर लिया हुआ है और अगर आप उसको कुछ लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं। बट अगर आप वीक इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि मुझे लॉस हो सकता है, तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट ए सेवी रजिस्टर्ड, बस मैं अपना एक व्यू पॉइंट जो मेरा एनालिसिस है काफ़ी टाइम से चला रहा हूं, जो मैं शेयर मार्केट में बहुत समय से हूं शेयर मार्केट में, तो जो मेरा एनालिसिस है जो मेरी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता सकता हूं। बट मैं ये चीज़ भी कहता हूँ कि हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि इवन वॉरेन बफे जी या इवन केडिया सर या इवन आपने राधा कृष्ण दमानी जी, इन सबको मैं फॉलो करता हूँ, तो इन ये खुद ही भी यही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हम किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं लेते हैं, वो हमेशा खुद से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है, क्योंकि वो एक या दो दिन या फिर वो इंट्राडे नहीं करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए पैसा डालते हैं उसके बाद ही निकालते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी हैं, तो उस बेसिस पे मैं अपनी ये एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं अब हम कॉल साइड पे, तो देख सकते हैं हम कॉल की राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग अब 17 रुपीज़ के लेवल तक होने लगी है, अब देख सकते हैं 17 रुपये के लेवल पर ओआई जनरेट होने लग गया है कॉल राइटिंग की साइड में। तो दोस्तों अब वीक ट्रेडर्स हैं उनको क्या लग रहा है कि ये 17 रुपये के लेवल तक जा सकता है, बट मुझे जैसा लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी 10 रुपये का लेवल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का है, अगर ये गैप अप के साथ ओपन होता है 10 रुपये का लेवल तोड़ देता है और 10 रुपये के लेवल के ऊपर कम से कम 1 से 2 घंटे ट्रेड करता है, तब ये 10 रुपये के नीचे आना इसके लिए दिक्कत हो जाएगा, तब 10 रुपये का रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद अगर हम चीज़ देखें 11 रुपये के लेवल पे, 11 रुपये के लेवल पे वो अभी इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हो रही है, जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमें इसके बाद 10 रुपये के बाद देखने को मिलती है वो है 12 रुपये के कॉल राइट 12 रुपये के प्राइस पे, 12 रुपये के प्राइस पे ओआई जनरेट हो रहा है 2 करोड़ 76 लाख का, तो हो सकता है कि ये अभी जो ये शेयर है ये 10 रुपये से लेके या फिर 9 रुपये से लेके 12 रुपये के रेंज में आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद तो जो है कॉल राइटिंग अगर ये 12 रुपये का लेवल तोड़ देता तो मुझे ऐसा लगता है 17 रुपये का लेवल भी इजीली टच कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एयरटेल को लेकर, आपने देखा होगा एयरटेल बिल्कुल पॉजिटिव मूड में है और ये इस टाइम पे लॉकडाउन की जो सिचुएशन है इसमें हो सकता है एयरटेल को बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का कुछ कस्टमर बेस लोग जहाँ तक मैंने सर्च किया है गूगल से भी सर्च किया है कि कुछ वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है वो एयरटेल में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि रिलायंस जियो में भी हम देख रहे हैं कुछ नेटवर्क की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, इवन मैं जो खुद नेटवर्क यूज़ करता हूँ मैं वोडाफोन आइडिया का ही यूज़ करता हूँ, बट मुझे वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, जो कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि ये बंद हो जाएगी उसकी वजह से जो वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है वो एयरटेल या कुछ हद तक जियो में गया है। तो एयरटेल को अगर आप चाहें तो सिप में ले सकते हैं, जैसे आप चाहें तो अभी जैसे 560 रुपये पे एक शेयर खरीद लें, उसके बाद आपको लगता है ये और शेयर नीचे आ रहा है तो 540 पे एक ले ले, ऐसे आप 20-20 रुपये अगर नीचे गिरता तो ले सकते हैं, वैसे अगर ये चढ़ना शुरू हो जाए इंक्रीज होता शुरू हो जाए तो ये 560 से 580 पे ले लें, फिर अगला आप ले लें एक शेयर 600 पे, इससे क्या होगा आपकी हमेशा जो एवरेज होगी वो नीचे रहेगी और आप देखेंगे जब ये शेयर डबल होना या फिर आप देखेंगे जब ये 4 डिजिट में जाना स्टार्ट करेगा तब आपके पास एवरेज बहुत कम रही होगी और आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि अभी टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल रहेगा इसका तो 101% श्योर ही है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के रहने के भी चांसेस फुल हैं, बट वही चीज़ें हैं कि कुछ कुछ जो नेगेटिविटी आ रही है उसकी वजह से लोग इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए डर रहे हैं, तो अभी भी मैं यही चाहूँगा आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी भी कोई फ्रेश बाइंग मत कीजिए, आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगर कोई फ्रेश बाइंग का मौका मिलता देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप लविंग अस कीप सपोर्टिंग अस, जय हिंद जय भारत।